हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ वाइल। ओके दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है, बताइए कौन करता है। तो दोस्तों, वह होता है वाष्प। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है, बताइए किसकी सरकार है। तो दोस्तों, वह है कांग्रेस की। ओके, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है वह है। तो दोस्तों, वह है पश्चिम बंगाल। ओके, सेकंड पे कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश और उसके बाद है दोस्तों पंजाब, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है बताइए, तो दोस्तों वह है कोलकाता। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ की, वो है ममता बनर्जी। ओके, और जो गवर्नर है यहाँ के वो कौन है बताइए, तो दोस्तों वह है जगदीप धनखड़। ठीक है, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा कौन सी है वह है, तो दोस्तों वह बोली जाती है बांग्ला, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, बताइए दोस्तों कौन सी थी, तो वह थी दोस्तों एनी बेसेंट। ओके, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह कब हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 1885 में। ओके, इसकी जो स्थापना थी किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो वो थे ए ओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, वो कौन थे, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वह हुआ था दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अध्यक्षता की थी इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो किसने की थी। इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना, तो वह की थी दोस्तों व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो दोस्तों वह हुई थी 1945 में। ओके, ये जो था 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ। ओके, और कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, फ्रांसिस्को में हुई थी। और दोस्तों, इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, कितने देश शामिल है इसमें बताइए, मेंबर जो हैं वह है दोस्तों 193 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है बताइए, वो है मैनहट्टन टाबू, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, बताइए कौन से रंग से दर्शाया जाता है, तो दोस्तों वह दर्शाया जाता है लाल रंग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है, बताइए कौन सा है वह है दोस्तों, तो वह है युगलीना। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बताइए कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है वह है। तो दोस्तों वह होता है यूरोक्रोम। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वह क्या होता है बताइए। तो दोस्तों वह है C33H42N4O6, याद रखिएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फायन कहाँ का निवासी था, बताइए कहाँ का था। तो दोस्तों वह था भूटान का। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दिन्ने इलाही धर्म किसने चलाया था, बताइए कौन थे वह। तो दोस्तों वह थे अकबर। ओके, ये जो थे दिन्ने इलाही, इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वह कब हुई थी बताइए, वह हुई थी दोस्तों 1582 में, ठीक है। और इसके अलावा जो अकबर थे 1562 में उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। और ये जो था दिन्ने इलाही, इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था वो कौन था दोस्तों बताइए। तो दोस्तों वह थे बीरबल। ओके, इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। ये जो थे अकबर, इन्होंने बेरम खां की सहायता से 1556 में क्या हुआ था बताइए, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू यानी विक्रमादित्य को पराजित किया था, ठीक है। फिर इनका युद्ध हुआ था 1576 में, उसमें क्या हुआ था, हल्दीघाटी के युद्ध में राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक जो थे महाराणा प्रताप उनको पराजित किया था, याद रखिएगा दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है टोडरमल, आप जानते हैं कौन है। तो दोस्तों ये जो थे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक हैं, और बाकी रत्न भी बता देते हैं आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट थे बीरबल, फिर थे मानसिंह, फिर आते हैं फेजी, उसके बाद टोडरमल, फिर है अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याज़ा, याद रखिएगा दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको, जो अकबर के समय में थे अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी और अकबर नामा की रचना की थी, ये भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है, बताइए कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों वह है मुइनुद्दीन चिश्ती। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों वह होता है CaOCl2, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह है इलायची। ओके, संस्कृत में इसे एला कहा जाता है, और ये जो होती है दोस्तों औषधीय गुणों की खान होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमत वार की स्थापना किसने की थी, बताइए दोस्तों किसने की थी। तो दोस्तों वह थे खान अब्दुल गफर खान। ओके, ये जो थे सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, और ये जो स्थापना की थी इन्होंने खुदाई खिदमत वार की, ये कब की थी, 1920 में की थी, ठीक है। ये एक संगठन था दोस्तों, और ये जो संगठन था सुर्खपोश के नाम से भी जाने जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए आप एसएससी मेकर को अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वह है चीन। ओके, और दोस्तों चीन के बाद विश्व में कौन सा है बताइए। तो दोस्तों वह है हमारा भारत, ठीक है, सबसे बड़ा सिल्क उत्पादक देश है चीन के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए दोस्तों। तो वह हुई थी रंगनू में। ओके, ये जो थे बहादुर शाह जफर, इनका कार्यकाल था 1775 से लेकर 1862 तक,
और दोस्तों ये कौन थे, उर्दू के माने हुए शायर थे, जाने माने शायर जो होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 17 मई को। ओके दोस्तों, इसमें दिया हुआ है दोस्तों 1 जुलाई, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए, तो दोस्तों वह होता है चिकित्सा दिवस। लास्ट है इसमें दोस्तों 1 अक्टूबर, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए, तो वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, याद रखिएगा सारे दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछते चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? बताइए कौन थे वह, तो दोस्तों वह किया था मनु ने। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा किसकी कृति है? बताइए किसके द्वारा रचित है, तो वह है दोस्तों फिरदोशी, ठीक है, इनके द्वारा रचित है शहनामा, याद रखिएगा इनकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NAEP इसका संकेत अक्षर है, उसका अर्थ बताइए, जो संकेत दिया हुआ है दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ओके दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो आप अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।